नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपको भी भरना है इनकम टैक्स रिटर्न्स और आप हैं पूरी तरह से कंफ्यूज कि नए गाइडलाइंस के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न्स आप ओल्ड रिजिम्स के अनुसार भरें या न्यू रिजिम्स के अनुसार, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आप किस अनुसार अपना रिटर्न भर सकते हैं और किस कैलकुलेशन के अनुसार आपका जो रिटर्न होगा वो बेनिफिट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। तो हम जाएंगे सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। ये गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का साइट है, आप यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद से देखेंगे यहाँ पे आपको एक नया टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शंस आ गया है, टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे एज बिलो 16 ईयर। अगर आप बिलो 60 ईयर हैं तो नॉर्मल सिटीजन, इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप 60 ईयर से ऊपर हैं तो ये, और उससे और 79 से ऊपर हैं तो इस सेक्शन को क्लिक कर लेंगे। तो हम बिलो 60 ईयर पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपका इनकम, अगर सैलरी जो आपकी है सपोज दैट 12 लाख रुपए है और आपका जो डिडक्शन है वो आप टोटल डिडक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ATC से लेके होम अलाउंस से लेकर सब कुछ डिडक्शन करने के बाद जितना होगा उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2.5 लाख ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद से आप कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजिम। देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही आपको बता रहा है कि आप अगर पुराने वाले रिजिम्स के अनुसार रिटर्न भरेंगे तो आपको आपका टैक्स जो है वो इतना बनेगा, और आप अगर नए रिजिम्स वाले रिटर्न से टैक्स भरेंगे तो आपका जो टैक्स है वो इतना बनेगा। तो यहाँ दिखा रहा है, नीचे आपको दिखा रहा है कि टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजिम, यानी आप अगर ओल्ड रिजिम्स के अनुसार रिटर्न भरेंगे तो आपको इतने का 13,000 रुपये का बेनिफिट होगा। तो यहाँ से ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे अपना एनुअल इनकम और टोटल डिडक्शन डाल के चेक कर सकते हैं कि आप किस रिजिम्स के अनुसार अपना रिटर्न भरेंगे। और इसके साथ ही हम आपको गूगल शीट पे भी एक अपने स्तर से एक कैलकुलेटर कोडिंग करके बनाए हैं, इसको हम लिंक में दे देंगे। यहाँ से आप अपना इनकम जो भी सैलरी है यहाँ पे आप डाल देंगे और उसके बाद नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो होगा वो अमाउंट डाल दे। HRA यहाँ पे सब कुछ अलग अलग बना दिया गया है, NPS जो हो डाल देंगे, हाउस लोन इंटरेस्ट पेमेंट जो भी हो उसे डाल देंगे, ATC डिडक्शन में LIC से संबंधित जितने हो वो डाल देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो वो डाल देंगे, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट वो डाल देंगे। तो यहाँ पे सारा कैलकुलेट कर लेगा और आपको टैक्सेबल इनकम जितना बनता है उतना बता देगा और आपको कुछ नहीं करना है, इतना डालते ही यहाँ पे ये सारा कैलकुलेट कर लेगा। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आपको दिखा देगा कि आपको ओल्ड टैक्स स्लैब बेटर कौन सा है, ओल्ड टैक्स स्लैब है या न्यू टैक्स स्लैब है, और यहाँ पे कितने का टैक्स बेनिफिट होगा, ये सब आपको यहाँ पे केवल आपको रिटर्न डालते ही सब कुछ दिखा देगा। तो आप इसके अनुसार भी अपना रिटर्न फिलअप कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें।